नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का जो किस तरह से उसको विस्तार दिया गया है, कुछ जगहों में छूट मिली है, कुछ जगहों में प्रतिबंध हैं, किस आधार पर सरकार ने ये फैसला किया है और जो लॉकडाउन है इसकी वजह से कोरोना का जो कहर है उसको रोकने में किस तरह की मदद मिली है, सरकार के जो दावे हैं उनसे उनकी भी हम छानबीन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो आने वाला वक्त है वो किस तरह की चुनौतियां और किस तरह के संकट हम लोगों के लिए लेके आने वाला है और क्या स्थितियों को ये मान लेना चाहिए कि अब काफ़ी स्थितियाँ संभल गई हैं, स्थितियाँ ठीक हो गई हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, जो अपनी तीखी और बेबाक कलम के लिए जाने जाते हैं, युवा पत्रकार असद रिजवी, जो जमीनी रिपोर्ट के लिए अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत मेहनत करते हैं, और केजीएमयू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पल्मोनरी और क्रिटिकल मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो लखनऊ के एक बहुत जाने माने चिकित्सक हैं, वो तीन लोग मेरे साथ मौजूद हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करें, मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास ही आना चाहता हूं। इस समय जो स्थिति है, जिस तरह से सरकार ने पहले 55 जिलों में था, 6 जिले और बढ़ा दिए, 61 जिलों में जो लॉक बंद है उनमें बहुत राहत दी है, ये कि दूसरा चरण है उबर रहे हैं, उबर चुके हैं या अभी खतरे बाकी हैं, अगर बाकी हैं तो किस तरह के खतरे बाकी? बिल्कुल गोविंद जी, जिस तरह से आपने देखा कि पहली लहर को हम कहेंगे कि बहुत स्लो राइज हुई थी और स्लोली ही उसका प्लेट्यू आया और डिक्लाइन हुई धीरे धीरे, लेकिन आपने देखा होगा कि जो दूसरी लहर है ये बहुत स्टीप राइज हुई, बहुत तेजी से जो संख्या है उसके जो आंकड़े में बहुत तेजी से इजाफा हुआ, और एक तरह से इसको लहर की जगह अगर सुनामी भी कहा जाए तो भी कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी मुझे लगता है। जिस तरह से आंकड़े बढ़े बहुत तेजी से तो उम्मीद ऐसी थी कि ये गिरेंगे भी तेजी से, और जिस तरह से मैं कहूँ कि स्टॉर्म की तरह से पूरे बिल्कुल सिस्टम को झकझोर दिया, बिल्कुल मेडिकल सिस्टम को, इस तरह की जो ये लहर थी तो इसमें काफी हद तक इस समय गिरावट दर्ज की जा रही है। जो नए केस हैं, जो पॉजिटिविटी रेट है बहुत कम हो गया है, और इस समय जो अस्पताल हैं वो भी लगभग आपको खाली नजर आएंगे। मैं अभी यहीं से बोल रहा हूँ, जो हमारा कोविड हॉस्पिटल है इस समय कोविड ड्यूटी कर रहा हूँ, और इसमें पत्नी हालांकि घर पे पॉजिटिव हैं कोविड से, लेकिन हम कोविड ड्यूटी में हैं और बच्चे भी रिकवर हुए हैं। तो देखिए, घरों में एक तो ये खास बात रही कि जो ये हमारा जो इस बार का जो वेरिएंट है ये पिछले वाले की तुलना में 30 से 50 गुना ज्यादा इन्फेक्टिव है, जो इन्फेक्टिविटी है। जैसे यदि पहली बार में जो केस एक दूसरे में फैल रहा था उस फैलाव से 30 से 40 50 गुना फैलाव ज्यादा रहा इस वायरस का। साथ ही साथ आप देखेंगे कि घर में अगर एक किसी को हुआ तो घर के सभी सदस्यों को इसकी चपेट में लिया है, बड़ी संख्या में लोगों के नुकसान हुआ है, जान माल का बड़ा नुकसान। मैं कहूंगा कि किसी किसी घर में तो पूरा पूरा घर खाली हो गया है, ऐसी के लिए बच्चे अनाथ हो गए हैं, किसी ने बाप खोए हैं, माँ खोई है, किसी ने अपने साथियों को खोया है, पति पत्नी सब, मैं कहूंगा कि हर रिश्ते को एक बड़ा लॉस इस लेकिन अब जिस तरह का आपने कहा कि काफी राहत भरी खबर ये है कि हमारे पास अब आईसीयू में भी जगह है और अपने जो सेंटर्स हैं उनमें काफी राहत देखने को मिल रही है, जिस तरह से कि पॉजिटिविटी का रेट है वो काफी हद तक कम हुआ है। अभी आने वाले दिनों में किसी तरह की चुनौती आप देखते हैं? एक तो ब्लैक फंगस का प्रकोप बहुत तेजी से हुआ है, दूसरा बहुत से ऐसे लोग जो कोविड की रिपोर्ट जिनकी
निगेटिव आ गई थी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद अचानक किसी दूसरी वजहों से उनकी मौत हुई है। तो ये इस इनको किस तरह से आप देखते हैं, कितनी चुनौतियां हैं ये आने वाले दिनों के लिए? देखिए बिल्कुल जिस तरह से आपने ब्लैक फंगस के लिए कहा, तो लगभग लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो आंकड़ा है लगभग 1000 के आसपास जो रोगी हैं ब्लैक फंगस के प्रभावित हैं। और सबसे ज्यादा रोगी अगर हम करें बात लखनऊ की, तो लखनऊ में सबसे ज्यादा रोगी ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। और जिस तरह से जो सबसे बड़ी संख्या भी अगर देखें तो भी लखनऊ में रही है कोविड के आंकड़ों की भी। और अगर हम ब्लैक फंगस की पूरी तरह से हम इसको समझना चाहें तो ये एनवायरनमेंट में हर जगह ये मौजूद है। और ब्लैक फंगस का जो आंकड़ा है बिना कोविड के भी पहले भी आता रहा है। ये ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है कि केजीएमयू में या किसी संस्थान में पहली बार आ रहा है, ये ब्लैक फंगस उन लोगों में ज्यादा आता रहा है जिनमें की कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, खास करके जैसे शुगर के मरीज हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, या कोई कैंसर है, या कोई जिस तरह से जिनमें अगर हम बात करें कि स्टेरॉइड्स की, जिनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का सेवन काफी डोज में लगातार होता रहता है और अनकंट्रोल्ड शुगर्स के साथ में होता है, तो ऐसे में ये मामले बढ़ते हैं। और इसी प्रकार का जो सिनेरियो है वो इस कोविड में देखने को मिला है, जिनमें डायबिटीज नहीं थी उन मरीजों में भी शुगर के लेवल बढ़ते बढ़े हुए मिले इस बीमारी की वजह से। और फिर जब उसको जो स्टॉर्म है उसको रोकने के लिए, जो कोविड निमोनिया को रोकने के लिए जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हुआ है तो उससे जो शुगर्स हैं और बढ़ी हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो एक बड़ी संख्या जो हमारे बीच में रही है कोविड के मरीजों की, और सीरियस मरीजों की भी संख्या तादाद काफी ज्यादा थी, तो उसमें से अगर हम देखें तो ये जो सबसे ज्यादा मामले हैं लखनऊ में ही देखने को मिल रहे हैं। और ये दोनों बातें जो इम्पोर्टेंट इसमें होती हैं, एक तो हाइजीन होती है, साथ ही साथ शुगर्स, अनकंट्रोल्ड शुगर्स होते हैं जो इस बीमारी में देखने को मिल रहे हैं, तो और जो स्टेरॉइड्स की थेरेपी है वो भी इसमें लगातार चलती है। तो ऐसे में मैं ये कहूँगा कि एक अनुकूल वातावरण मिला है इस ब्लैक फंगस को, या हम म्यूकोरमाइकोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, तो ये मामले काफी तेजी से समय बढ़ते हुए नजर आए। जी गोविंद सर जी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अब इस समय काफी थोड़ी राहत है, मरीजों की संख्या कम हो गई है, और जो कोविड है उसका, जो कोरोना की पॉजिटिविटी का भी रेट काफी कम हो गया है, तो ये राहत की बात तो निश्चित तौर पर है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी हम बात करें। लेकिन इसको लेकर अलग अलग तरह के दावे हैं। एक दावा जो विज्ञान का है वो ये कि जो स्वतः इसका जो रेट है वो धीरे धीरे स्वतः अपने आप नेचर में इस तरह का है कि एक सर्टेन टाइम तक ये बहुत तेजी से ग्रो करता है, फिर थोड़ा धीमे इसका नीचे की तरफ जाता है, और फिर कोई दूसरा वेरिएंट या दूसरे फॉर्म में ये अपने को बदल के नए रूप में आता है। दूसरा दावा जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का है, उसने कहा है कि हमने जो हमारा जो 3T मैनेजमेंट था, टेस्ट ट्रेस और ट्रीटमेंट, इसने कोरोना को नियंत्रित करने में बहुत बड़ा उसका रोल रहा है, और इससे बहुत स्थितियों में बहुत जबरदस्त तरीके से हम उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने में सफल रहे हैं। इन दोनों में आप किस बात को ज्यादा तर्कसंगत मानते हैं और क्यों? देखिए सिंपल सी बात है, ये साइंटिफिक जो अप्रोच है इसमें कि अपने आप कुछ समय के बाद कम होता है, मेरा ख्याल यही सही अप्रोच है और यही सही मानना चाहिए, क्योंकि ये केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है पूरी विश्व में और हर जगह से ही आ रहा है बाकायदा ये चीज, जो सेकेंड वेव को लेकर देश भर में अब देखिए धीमे धीमे शिफ्ट करता जाता है, एक डायरेक्शन में चलता है फिर वो दूसरी तरफ जाने जा सकता है। तो लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, ये तो दावे हैं, और सरकारों की तो आदत होती है चाहे कोई भी सरकार हो कि अपनी मुंहमियां मिट्ठू जरूर होना है, अपनी पीठ जरूर थपथपाना है, और हमने देखा है कि पहले वेव में भी जिस तरीके से पहली वेव उतनी भयानक नहीं थी,
और सब जगह उसी तरीके का उसका प्रकोप था जितना सीमित था। और वो अपने आप जब वो दिन में जाने लगी तो सरकार ने बड़ी वाह वाह करी। अगर जो इसको कहते उसमें भी सरकार ने जो है एक नया शगुफा छोड़ दिया, कुछ ऐसे जर्नल्स में छपवा दिया जो बाद में पता लगा कि विज्ञापन थे। तो इस तरीके की बचकानी हरकत सरकार से उम्मीद नहीं की जाती है। एक बार तो WHO से तारीफ करवा ली, अब वो किस तरह करी गई भगवान जाने, लेकिन उससे ये सारी उससे जो है काफी भद हुई सरकार की, क्योंकि ये चीजें एक्सपोज हो जाती हैं कि कोई चीज अपने आप लिखी जाती है और कुछ है जो स्पॉन्सर कराई जाती है। तो सरकार को मुझे ख्याल कोई आवश्यकता नहीं है इस तरीके की वाहवाही कराने की, ये कहने की साहब ये जो है हमने ये कर दिया, हम ना होते तो पता नहीं क्या होता। तो ये चीजें सरकारों को इससे जो है दूर रहना चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने में जब ये इंफॉर्मेशन का बूम है तो यहाँ असलियत सामने आ जाती है, कलई खुल जाती है। और बहुत सी सरकारें ये करती हैं, बहुत सी सरकारें नहीं भी करती हैं। वो कहते हैं कि ठीक है ये जो है एक ऐसा था और आज की डेट में कम हो गया प्रकोप, बहुत अच्छा हो गया। ठीक, आप वो बात कही तब भी आपको वाहवाही मिलेगी, लेकिन जब आप अपने आप अपनी तारीफ करेंगे तो लोगों को शंका होगी, लोग शक की नजर से देखेंगे। तो मुझे लगता है कि बजाय इसके अगर जरा ग्रेसफुली करें तो इनको तारीफ भी होगी, वाहवाही भी मिलेगी, दूसरे लोग वाहवाही करेंगे। स्वयं जो है अपनी तारीफ करना जो है वो वैसे भी आम उसमें माना जाता है कि अपने आप जब आप तारीफ करिए तो लोग उसको शक की नजर से देखते हैं। और आज की डेट में इसमें अब जैसे दूसरी वेव है सरकार की तरफ से आया कि साहब हमने क्या काबू पाया दूसरी वेव पे और हम तीसरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब जब आप ऐसे करेंगे तो माहौल बनेगा कि आपने अरे भैया सेकेंड वेव अपने आप जो है उसका समय जो है नीचे जाना शुरू हो गया, अब आप कहें कि हमने कर लिया कंट्रोल। जब भयानक स्थिति थी कि ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी इसलिए मर रहे थे, दवाई नहीं मिल रही थी मर रहे थे, तब आप कहाँ थे? फिर आप उसको कहते हैं हमने काबू कर लिया। जब सारा जब कंट्रोल जो है आपने अच्छा काम किया उसके बाद जो है उसको बढ़ने नहीं दिया, ये कहिए, लेकिन कहिए हमने कंट्रोल कर लिया और हमने ये निपटा दिया, ये जरा शोभा नहीं देता। और आज की डेट में ये कहना कि हम तीसरी की तैयारी आप कह दीजिए, लेकिन अब आप ये सोचिए कि पूरे देश में वो पूरे प्रदेश में CHC लेवल पे आप ICU बना देंगे पीडियाट्रिक, वो फिर इम्प्रैक्टिकल बात लगती है। उसके दावे करे जा रहे हैं आज ऑलरेडी सरकार से, पहले से इस तरीके की बात करना भी जो है बचकाने मुझे लगता है बड़ा इमेच्योर्ड अप्रोच है। क्योंकि हाँ आपको मालूम है CHC PHC लेवल पे क्या हालत है। आप ये कहिए कि मेडिकल कॉलेजेस में हम व्यवस्था करे दे रहे, पीडियाट्रिक ICUs बढ़ाए दे रहे, जिले के बड़े अस्पतालों में बढ़ाए दे रहे, लेकिन अब आप वहां तक पहुंच जाइए जा, सारी दुनिया को मालूम है कि अभी जो सेकंड वेव में देखा गया है किस तरह तमाम CHC PHC में ताले लगे हुए। तो इस तरीके के हल्के और झूठे वादे दावे सरकारों को नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार की ये जिम्मेदारी है, जनता की अपेक्षा भी सरकार से ही है कि सरकार कम से कम ऐसे मामले में, ऐसी आपदा में, ऐसे संकट में जो उसकी जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को निभाए और लोगों की स्वास्थ्य के मामले में जान की रक्षा वो करे। और सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए भी हैं, उनकी सराहना भी की जाती रही है और की भी जानी चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना थोड़ा सरकार के स्तर पर बहुत गरिमापूर्ण नहीं लगता है। इस मामले का एक जो तीसरा बिंदु है, एक तो जो प्राकृतिक तौर पर अपने आप जो कोविड का प्रकोप धीमे धीमे कम होना दूसरी लहर का, दूसरा सरकार का दावा कि सरकार ने बहुत काम किया और उसने जो 3T उसका जो टेक्निक थी उसने इसको नियंत्रित किया, उसके साथ साथ एक तीसरी बड़ी वजह भी रही और वो वजह थी लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन, लॉकडाउन जिसको लेकर शुरू में उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी, अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका महत्व समझा और बहुत चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को उत्तर प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन को लागू किया और उसके भी नतीजे बहुत सार्थक रहे हैं। क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था
डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा था कि जो दूसरी लहर थी उसमें जो एक पेशेंट से 50-60 लोगों तक कोरोना फैल सकता था, तो अगर लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना रोका गया है तो आंशिक लॉकडाउन की वजह से, तो कहीं ना कहीं उसने भी उस चेन को तोड़ा है। असद, मैं आपसे थोड़ा जमीनी हकीकत जानना चाहता हूँ, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों की। जैसे उत्तर प्रदेश के अभी 61 जिलों में लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन को उस बहुत और प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया है और एक तरह से सप्ताह में अब 2 दिन बंद रहेगा, बाकी 5 दिन जिलाधिकारी के निर्णय पर उनको खोला जाएगा। इसमें अभी जो 19 जिले बाकी हैं उसमें लखनऊ का नाम भी है, और अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ में जो शहरी क्षेत्र के जो आंकड़े सरकार की जो प्रेस नोट में रोजाना जनता की जानकारी के लिए डाले जाते हैं, उसमें पिछले 3 दिन से आंकड़ा जो है वो 100 और 130 के बीच चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जो लखनऊ जिला जो है वो अभी आंशिक लॉकडाउन से मुक्त नहीं किया गया, क्योंकि सरकार की परिभाषा के हिसाब से यहाँ पर 600 से ज़्यादा केसेज हैं। यानी कि अगर शहरी क्षेत्र में, लखनऊ जिले में सिर्फ एक ही शहरी क्षेत्र है वो लखनऊ, तो अगर शहरी क्षेत्र में 125 के एवरेज पे पेशेंट्स हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें मरीजों की संख्या 475 है, या अगर 600 से ज़्यादा है तो वो 475 से उतनी ही ज़्यादा हो सकती है। तो क्या ये माना जाए कि ग्रामीण इलाकों की स्थितियां अभी बहुत संभली नहीं है, वहां अभी भी संकट वैसा ही है? असद, आपकी क्या जानकारी है इसके बारे में? ग्रामीण जो क्षेत्र है हमारे, उनके हालात के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां पर सही से अभी टेस्टिंग नहीं हो रही है। अभी भी बहुत से लोग ये चीज को मान के चल रहे हैं कि खाली उनके खांसी और बुखार हुआ है, तो वो कोविड की जो लिस्ट है उसमें कोविड पेशेंट रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसलिए वहां पर की एग्जैक्ट फिगर अरब इलाकों से कितनी ज्यादा है या कितनी कम है ये बता पाना बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं है। लेकिन आज भी लोगों की इस तरीके की ऑक्सीजन की शॉर्टेज कहीं ना कहीं कम हुई है, लेकिन आज भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। कई जगह से लोगों ने बताया कि कई जगह पे पूरे पूरे डॉक्टरों के स्टाफ ने छुट्टी ले ली है, अब वहां पर कोई भी नहीं है, और ये जो क्वाक कहलाते हैं, ये नीम हकीम जो होते हैं उनसे इलाज कराने पर लोग मजबूर हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जो लोग उनसे इलाज करा रहे हैं तो ना उनके पास कोई कोविड का वो है कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, उसको नजला खांसी समझ के ही इलाज करा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि ना उनका कोई सर्टिफिकेट बन रहा है, मतलब आई मीन के गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे आ रहे हैं वो जी। लेकिन एक अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, जैसे बीच में ये था कि पंचायत चुनाव के बाद बहुत तेजी से ग्रामीण इलाकों में कोविड का संक्रमण था, अभी स्थितियों में कुछ बदलाव दिखा है आपको? नहीं, स्थितियों में बदलाव है। देखिए, मैंने गांव में बात की, वहां से पता किया, तो पता चला कि गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई नहीं लिया गया तो लोगों में काफी इस चीज को भी लेके रोष था कि जो उनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो क्यों नहीं उनके सपोर्ट में सामने आ रहे हैं, लोकल एमएलए जो भी रहे हों, एमएलए वगैरह। इसके बाद कई एनजीओ की भी खबर आई कि कई एनजीओ आ गई जिन्होंने लोगों को मास्क बांटे, या ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में भी खबर है कि कुछ एनजीओ ने वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ हालात काबू में आए हैं। नहीं, लेकिन असद, मैं गोविंद यहाँ मैं पूछना चाहूंगा असद से कि बात यहां तक नहीं है कि किसने एनजीओ ने बांटे, इशू यह है कि मास्क इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं। आपने क्या सड़क पे देखा, क्या लोग इस्तेमाल, क्योंकि लॉकडाउन में और मास्क का जो तमाम के सरकारी खातों में के हिसाब से तो बहुत केसेस कर दिए गए, 4 लाख लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस कर दिए गए पैंडेमिक एक्ट में, लेकिन क्या आपको ग्राउंड पे दिखता है कि आम आदमी मास्क पहनता है, गाँव हो या शहर, लखनऊ की बात करें अगर, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, बहुत बड़ी अवेयरनेस की कमी है, सेकेंड वेव नीचे की तरफ जा रहा है, सेकेंड वेव का ग्राफ, लेकिन आज भी कोरोना को लेकर बहुत बड़ी एक आबादी है जो अवेयर नजर नहीं आ रही है। आप रूरल इलाके की बात तो शरद जी छोड़िए, शहर में ही आप देखिए
कि मास्क वो चालान के 500 रुपए 100 रुपए के चालान के लिए तो लगा रहता है, मगर वो कान से लगा रहता है और यहाँ पर लगा रहता है, ऊपर नहीं चढ़ाते। और इससे बदतर हालात गाँव के है, वो मतलब मास्क की इम्पोर्टेंस को जिस तरीके से समझाना चाहिए था ना वैसे समझाई गई, और ना उन्हीं ने वैसे सारी चीजों को परिस्थितियों के सामने देखा भी और झेला भी, के बाद भी लोग उतने अवेयर नजर नहीं आते हैं जमीनी तौर के ऊपर कि वो उस तरीके से अवेयर हो कि उन्हें मास्क लगाना है या आके हाथ फौरन धोना है या सैनिटाइजेशन सैनिटाइजर रख के चलना है। इस बारे में लोग आज भी अवेयर नहीं है, उनको बहुत अवेयर करने की जरूरत थी, लेकिन वो अवेयरनेस या वो प्रोपेगेंडा जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नहीं, क्या क्या वजह ये है कि लोग अवेयर होना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, या अवेयर किया नहीं जा रहा है? क्योंकि मुझे लगता है देखिए दोनों चीजें, क्या पब्लिसिटी होगी, जगह जगह टीवी हो, सड़क हो, सब जगह लगा हुआ है, रेडियो हो, एफएम हो, तो उसमें बार बार बताते हैं सर, मतलब हमारे तो कान पक गए फोन उठाते सुनते में कि साहब 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, तो उसके बाद भी अगर लोगों के नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो लोगों की भी तो कमी है ये। और दूसरी बात यह है कि इससे फिर ये जो लॉकडाउन पार्शियली लिफ्ट होने वाला है, इससे कोई फर्क पड़ेगा फिर अगर पहले ही लोग नहीं? देखिए गांव की स्थिति जो है वो मौजूदा स्थिति ये है कि लोग आपको बिना मास्क के दिखेंगे, और जब आप उनसे समस्या पूछना शुरू करेंगे कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या हुई, तो वो इस वक्त आज की तारीख की बात बता रहा हूँ कि वो स्वास्थ्य समस्या से पहले वो अपनी धान की समस्या बताते हैं कि उनका धान MSP पे नहीं बिक रहा है, और उसको वो कोरोना का जो लॉकडाउन लगा है उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं। वो ये नहीं बताएंगे कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, वो ये नहीं बताएंगे कि उनके पड़ोस में क्या हुआ या उनके घर में क्या हुआ या कोई नजला खादी दे, वो फौरन ये बताएंगे कि इस लॉकडाउन से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनका धान नहीं बिक पा रहा है। अभी मैं एक किसान नेता से हालात जानने की थोड़ी देर पहले कोशिश कर रहा था कि भाई क्या हालात है गाँव में, कितना ऊपर नीचे हुआ, ग्राफ क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ये तो छोड़िए पहले हमारा हमारी रोटी रोटी का सोचिए। उन्हें क्या हुआ, कहने लगे MSP 1975 है, हम 1600 में गेहूं बेचने पे मजबूर हैं, जब बचेंगे तब मास्क लगाएंगे। हमें क्या हुआ, कहने लगे ना हम गेहूं लॉकडाउन की वजह से बाहर ले जाके बेच पा रहे हैं और ना यहाँ ग्राहक आ पा रहा है लेने के लिए। तो वो मास्क से ज्यादा जो है इस वक्त वो धान के लिए ज्यादा परेशान है, उनका धान बिक जाए ताकि उनके पास पैसा आ जाए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर वेद प्रकाश, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि अभी दूसरी लहर एक तरह से अपने उतार पर है और लॉकडाउन भी उत्तर प्रदेश में बड़े इलाके में उसमें काफ़ी उसमें ढील दे दी गई है उसके प्रतिबंधों में। उम्मीद है अगले कुछ दिनों में लखनऊ में भी प्रतिबंधों में ढील इसी तरह की हो जाएगी। लेकिन अब जो वक्त है, आने वाला वक्त, उस वक्त में कोरोना या इससे जुड़े किसी दूसरे रोग, दूसरी बीमारी के शिकार लोग ना हों, फिर से इस तरह की कोई बड़ी आपदा के तौर पर बहुत हमारे लोगों को सामना न करना पड़े, इसके लिए आम लोगों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है गोविंद जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार जो चुनौतियां हैं वो बनी हुई हैं, और ये कई माध्यम से भी लगातार कहा जा रहा है कि भाई अभी तीसरी वेव आएगी, और जिस तरह से इसमें एक जो डायनेमिक्स है, मैं कहूँगा कि किस तरह से होती है कि जो हमारी जो हर्ड इम्यूनिटी है वो होती है जो सामूहिक इम्यूनिटी, उसकी हम बात करें कि यदि 60-70% ऑफ जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है उसका 70% लोग अगर इन्फेक्शन की जद में आ जाते हैं या इम्यूनाइज कर दिए जाते हैं, तो उनके अंदर एक इम्यूनोजेनेसिटी, जो एक चाहे तो वो वैक्सीन के माध्यम से इम्यूनोजेनेसिटी डेवलप हो या नेचुरली जो बीमारी है वो ठीक होने के बाद में वो डेवलप हो, तो इससे जो इम्यूनिटी डेवलप होती है फिर वो इसकी आगे की फर्दर चेन नहीं बन पाती है। तो ऐसे में जो ये डायनेमिक्स हैं ये इसी तरह से काम करती हैं, और आप देखेंगे कि जिस तरह से पहली लहर में जो लोग पॉजिटिव हुए वो दूसरी में भी पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन दूसरी में वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं हुए हैं, ऐसे मामले ज्यादा हैं, या जिनको वैक्सीन लग गया वो लोग अगर
इन्फेक्शन की जद में आए भी हैं तो ज्यादा गंभीर नहीं हुए हैं, ऐसी संख्या ज्यादा है लोगों की। यदि हम कहीं अपवाद की बात करें तो वो कहीं भी हो सकते हैं अपवाद, लेकिन यदि हम लोग इसको अचीव कर लेते हैं, ये तो एक तो सीरो सर्वेलांस के माध्यम से पता किया जा सकता है कि इस समय की जो इम्यूनिटी का लेवल है हमारे हर स्तर पे, चाहे गांव का हो, चाहे मिडिल टाउन्स हैं या फिर बड़े शहर हैं, उस आबादी के बीच में किस तरह की इम्यूनिटी डेवलप हुई है, कितने लोगों को हुई है, उसकी प्रतिशत अगर हम देखें और ससेप्टिबल पॉपुलेशन का या 70% तक वो पहुंच रहा है, तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगी, या तो या फिर हम कहें कि जान का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, इस तरह की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो खतरे बने हुए हैं, जैसे वेरिएंट्स आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से इसका एक वैरी कर रहा है, लेकिन जहां पे हर्ड इम्यूनिटी अचीव होती है वहां पे ये भी देखने में आता है कि वहां पे म्यूटेशंस भी बहुत ऐसे प्रभावी या हानिकारक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो डिवीजन होता है वही म्यूटेशन होता है। जब वायरस डिवाइड करता है तेजी से, माने जितनी बड़ी पॉपुलेशन में तेजी से फैलता है, तो उसी समय ज्यादा म्यूटेट करने के चांसेस भी उसके होते हैं। तो यदि हम लोग हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लेते हैं, जिस तरह से आप देखेंगे कि जो बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका में ये हुआ कि भाई मास्क हटा दिया गया, इस तरह की घोषणा उन लोगों ने करी है, तो ये उन्होंने जो अचीव किया है वो अपने इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम से अचीव किया है। तो इम्यूनाइजेशन और नेचुरल जो बीमारी है उससे जो इम्यूनोजेनेसिटी है, उसकी जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उससे, अब ये कितने दिन तक लास्टिंग होती है, देखिए ये दो सवाल हैं इसमें। इसमें जो चुनौती है दो तरह की है, कि कुछ ये देखने को आया कि पिछली वेव में जिनको हुआ उनके 3-4 महीने में वो जो उनकी जो संख्या है या जो लेवल्स है टाइटर, जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडी टाइटर्स, वो कम होने लगे। अब एंटीबॉडी टाइटर्स कम हो रहे हैं या फिर किसी सेलुलर पे शिफ्ट हो रही है जो इम्यूनिटी है, जो एक मेमोरी सेल्स होते हैं उस जो एक्टिवेट करने के लिए काम आ सकते हैं आगे, तो एक तो ये देखने वाला है। दूसरा वेरिएंट का खतरा है, इसलिए जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं, जिनको हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, जिसमें हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना है, मिलना नहीं है लोगों से, अगर मिलना बहुत जरूरी हो तो खुले में मिलें, यदि आप बंद में मिल रहे हैं तो पंखा चलता हो, खिड़की दरवाजे खुले हों, या फिर एसी में मिल रहे हैं तो कहीं एग्जॉस्ट चल रहा हो, जिससे कि ये जो मीडियम है, जो माध्यम है बीच में हमारे आपके, जो हवा का माध्यम है, ये माध्यम अगर मूव करता रहे वहां से, तो ऐसा होता है कि जो कंसंट्रेशन है, जो हमारे जो बात करने में या खांसी करने में, छींकने में जो एरोसोल्स निकलते हैं जी जी, जिनको हम लोग माइक्रो ड्रॉपलेट्स भी कह सकते हैं, फिर उससे भी अगर बारीक में जाएं तो एरोसोल्स जिनको कहते हैं, जैसे एयर के बीच में सस्पेंड हो जाती हैं सॉल्यूशन, तो एरोसोल बोलते हैं, और उसी एरोसोल पे सवारी करके ये जो हमारे वायरस है ये बाहर तक दूसरे को इन्फेक्ट करने का काम करता है। तो इससे हमें बचना होगा हर हाल में। तो वेंटिलेटेड ड्वेलिंग्स की हम बात करें कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो और दूरी भी रहे पर्याप्त, और अननेसेसरी लोगों को नहीं मिलना है, और मास्क बहुत आवश्यक है। इस समय जो अभी वेव चली, तो इस समय हम लोगों ने 2 मास्क के लिए भी कहा कि जो डबल मास्क, जिस तरह से एक छोटा आपने देखा होगा कि 1.5 रुपए का एक मास्क आता है जो सर्जिकल, जिसको हम ट्रिपल लेयर मास्क कहते हैं, नीले या हरे कलर का आता है, उस मास्क को अगर हम लगाते हैं तो वो थोड़ा ढीला होता है, इसलिए लीक करती है हवा उससे, तो उसका प्रोटेक्शन लगभग 40% होता है। जो घर का मास्क होता है जो अच्छे से पैक हो जाता है चारों तरफ, उसका भी लगभग इतना ही होता है, अगर इन दोनों को मिला दें तो लगभग 85 हो जाता है। पहले हम सर्जिकल मास्क लगा लें और ऊपर से घर वाला जो टाइट फिटिंग वाला है, जो लीक ना होने दे, उस तरह का मास्क लगा लें, और फिर इसको दिन भर चला करके उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, और जो अंदर लगाया 1.5 रुपए वाला, और ये जो मास्क है हमारा घर वाला, इसे धो सकते हैं। और ये है N95 जो मैं लगा रहा हूँ, N95 मिल जाए तो अच्छा है, ये तो वहां पे ज्यादा आवश्यक है जहाँ पे आप मरीज के
या तो तीमारदारी आप कर रहे हैं, पॉजिटिव मरीजों के साथ हैं, या फिर हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो लगातार एक्सपोजर में हैं, तो इस तरह से। एक सवाल जो पिछली बार आपका आपने कहा था कि कुछ मामले ऐसे आ रहे हैं कि बाद में भी मौतें हो रही हैं पोस्ट कोविड में, तो उसके लिए मैं कहूँ आपको कि एक तो जिन मरीजों में बहुत ज्यादा सीवियर कोविड निमोनिया हुआ है, जिनको बहुत ज्यादा वेंटिलेटर या बड़ी तादाद में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई है बाईपैप के माध्यम से, या हाई फ्लो नेजल कैनुला की मशीन आती है उनके माध्यम से दी गई है, तो ऐसे रोगियों में क्या होता है कि इसको अगर हम समझें इस बीमारी को, तो पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता और तीसरा हफ्ता इस तरह से अगर हम समझें, तो पहले हफ्ते में ये वायरीमिया का फेज होता है जिसमें वायरस का रेप्लिकेशन होता है इन्फेक्शन के बाद, और शरीर की जो इम्यूनिटी है उसके बीच और वायरस के बीच में लड़ाई होती है। इस जंग में जब ये वायरस खत्म हो जाता है, वो पहले हफ्ते में लगभग हो जाता है, तो फिर जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसकी वजह से, जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई की वजह से जितने हमारी सेफ्टी के लिए जो मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और जितने साइटोकाइंस हैं, जिनको साइटोकाइन स्टॉर्म भी हम लोग कहते हैं, जिससे सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन आता है, तो ये इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जो पूरी बॉडी में आता है, ये रेस्पॉन्स हमारे लिए अपने लिए ही घातक सिद्ध होने लगता है, तो इसको डैम्पन करना चाहिए अगले हफ्ते में। तो इसके लिए हम लोग स्टेरॉयड और ये थेरेपीज लेते हैं। यदि हम लोग भी नहीं रोक पाए, यदि हम फिर भी नहीं रोक पाते दूसरे सप्ताह, तो तीसरे सप्ताह में आ जाती है ये थ्रोम्बो इन्फ्लेमेटरी। तो पहला वायरीमिया फेज है, दूसरा फेज है इम्यूनो इन्फ्लेमेटरी, और तीसरा जो है ये है थ्रोम्बो इन्फ्लेमेटरी। तो जो हम लोग कहते हैं ना कि ये बहुत ज्यादा क्लॉट आ रहे हैं, क्लॉटिंग हो रही है, ब्लड की क्लॉटिंग, क्लॉट फंस जाते हैं, उससे चाहे सीबीए हो रहा है, चाहे हार्ट अटैक हो रहे हैं, इस तरह के मामले भी काफी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। तो ये लेटर फेज में आता है, जब हम इसको यहाँ कंट्रोल नहीं करते फर्स्ट पे और सेकंड फेज पे, तो ये तीसरे उसमें ये थ्रोम्बो इन्फ्लेमेटरी, जहाँ थ्रोम्बोसिस और ये जो ज्यादा होने लगती है, इस वजह से नई तरह के कॉम्प्लिकेशंस सामने आते हैं, जिसमें कि हम लोग खून पतला करने की दवाइयां लगातार देते हैं, 2 से 3 हफ्ते तक उसको जारी रखते हैं। जी चलिए डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सरज जी आपका धन्यवाद, असद आपका धन्यवाद। इसी के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस बीच 2-3 सूचनाएं हैं। एक तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मान लिया है कि अब जो चुनाव ड्यूटी में जिन लोगों की मौत हुई थी, तो चुनाव ड्यूटी को 30 दिन का उसका समय मान लिया है, तो उन तमाम लोगों को लाभ मिल सकेगा जिनकी चुनाव के बाद मौत हुई है कोरोना की वजह से। दूसरा, सरकार ने जून में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का की तैयारी की है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बहुत सघन स्तर पर सीरो सर्वे को शुरू करने की बात की है, तो ये सकारात्मक संकेत हैं। इसी के साथ आज की बात को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।